हम कराची रोटरी क्लब का कराची हीरोज वाले यहाँ पर आए हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट तलसम यूनिट के तावन से, इन बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए। एक सुनते थे बचपन में कि सेहत हज़ार नेमत है, और वाकई सेहत हज़ार नेमत है। इन बच्चों से पूछें कि ये कितनी तकलीफ़ में वक्त गुजार रहे हैं इस मौज़र बीमारी के साथ, और इनके उन्हें कितनी ज़रूरत है ब्लड की। तो जितने भी जो राशिद आलम साहब ने कहा कि हमें इसे आलमी सतह पर ले जाना है और इसको हुकूमती सतह ले जाना है, ताकि हुकूमती इस हवाले से तावन फ्राम हो, और ताकि इन बच्चों को उनका ब्लड मिले, ताकि ये इस मर्ज से लड़ सकें। जब तक इसका प्रॉपर क्योर हासिल नहीं हुआ था, तब तक हमें इसके लिए उनके लड़ना पड़ेगा इनके साथ। थैंक यू। मैं बेहद मशहूर हूँ कराची रोटरी क्लब कराची हीरोज़ का, और ख़ास तौर पर राशिद आलम साहब का और इनकी पूरी टीम का, कि वो आज यहाँ पे अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में आए हैं हमारे थैलेसीमिया में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और बच्चों के लिए ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं, गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये हमारी पूरी टीम राशिद आलम साहब की जो है वो ये पूरी अवेयरनेस क्रिएट करेगी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में, कि थैलेसीमिया के मूजी मर्ज से पाकिस्तान को किस तरह से पाक किया जा सकता है। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि इस वक्त जो है हमारे यहाँ थैलेसीमिया यूनिट में, और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी थैलेसीमिया यूनिट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। तो जो जो लोग भी ये पैगाम सुन रहे हैं, वो आगे आएँ और हमारे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोटरी क्लब ऑफ कराची हीरोज़ और अल मुस्तफ़ा थैलेसीमिया यूनिट के इश्तराक से थैलेसीमिया का आलमी दिन, जो 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इस दिन के मनाने का मकसद आगाही की एक मुहिम चलाना कि इस मूजी मर्ज से किस तरीके से आप नबरद आजमा हो सकते हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं पहले तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर का शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने रोटरी क्लब की टीम को ये मौका दिया, और उसके बाद अपनी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि वो ना सिर्फ यहाँ पर छुट्टी के दिन यहाँ पर आएँ, थैलेसीमिया के बच्चों के साथ वो दिन स्पेंड किया, बल्कि ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ रोटरी जो एक दुनिया की 1.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल ग्लोबल कम्युनिटी है, फैमिली की तरह है, हमें इस चीज़ को जिस तरीके से रोटरी ने पूरी दुनिया में जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे पोलियो के हवाले से जिस तरह मुहिम चलाई है और उस पर काबू पाया है, मैं समझता हूँ कि रोटरी इंटरनेशनल की टीम को थैलेसीमिया को भी अपनी तरजीह में इस तरीके से ऊपर लाना चाहिए, और इस मर्ज़ के लिए भी उसी जो है वो तनदही के साथ जो है ना काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोटरी के प्लेटफॉर्म से जितने भी 3271 और 72 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्लब्स हैं, वो इस डिस्ट्रिक्ट इस दिन की आगाही मुहिम में अपना हिस्सा डालें। और मैं इस आज के इस दिन की मुनासबत से मीडिया के तआवुन से मैं ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे महकमा तालीम को, कि वो इस दिन के इनेकाद के हवाले से जामियात के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर ख़ास तकारीब का इनेकाद करें, क्योंकि इस हवाले से आगाही का बड़ा फुकदान है। और इस वक्त जब तक दुनिया में तिब्बी हवाले से इसकी कोई मेडिसन या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाती, तब तक आगाही एक रास्ता है आपके पास कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मर्ज़ के मुतालिक आगाही फैलाई जाए कि इस मर्ज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो हमें चाहिए कि इस दिन को जो है ना हम जो है वो जामियात में और सरकारी सतह पर इसको मनाएँ, क्योंकि मैंने मुशाहिदा किया है कि ये दिन सरकारी सतह पर उस अंदाज़ में नहीं मनाया जाता जिस अंदाज़ में इसको मनाना चाहिए, ताकि आगाही ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मेरे हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से खुसूसी दरख्वास्त है कि वो सरकारी सतह पे इसकी तकारीब, ख़ास तौर पे जामियात, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और सारी जगहों पर जो है ना इस एक्टिविटीज़ को चलाएं, और मीडिया इसमें अपना किरदार अदा करें, ताकि हम इस मूजी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना हारून है और मैं कराची हीरोज़ रोटरी क्लब ऑफ कराची हीरोज़ की यूथ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यूथ की चेयरपर्सन हूँ, और इस वक्त यहाँ पे हम थैलेसीमिया सेंटर में यहाँ पे मौजूद हैं। और एक अच्छा भी लगा यहाँ पे आके, और दिल थोड़ा सा उदास भी हुआ। अच्छा इसलिए लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह से, और उनके चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट है, और जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी अभी अपनी स्पीच में कहा था कि वाकई ये रियल हीरोज़ हैं, क्योंकि ये वो जंग लड़ रहे हैं, मतलब ज़िंदगी से अपनी ये जंग लड़ रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त रोटरी क्लब ऑफ कराची हीरोज़ यहाँ मौजूद है, ताकि उनकी खुशियों में हम शरीक हो सकें, और उनकी जो तकलीफ़ है उसको थोड़ा सा हम अपने ब्लड डोनेशन के थ्रू, या जो भी हम छोटी सी एक काविश की हमारी कि हम यहाँ आएँ और उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ लंच करें,
और हम उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपके सिंगल स्टेप्स जो होते हैं ना लाइफ के, वो किसी की भी ज़िंदगी में एक छोटा सा भी अगर चिराग जला दें खुशी का, तो मैं समझती हूँ कि आज के दौर में वो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं उन्होंने भी कहा, शेख राशिद आलम साहब ने भी अभी अपनी स्पीच में कहा कि हम इंशाल्लाह, हमारा प्लान यही है कि हम ईयरली बेसिस पे 2 या 3 times जो है हम यहाँ का विज़िट करेंगे और इसी तरह हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट के सबसे जो बड़ी बात यह है कि ये पूरे वर्ल्ड में इसका कोई क्योर नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि जो वी कैन डू, हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे भी जो इस वक्त ये चैनल देख रहे हैं, तो तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन पेशेंट्स को, जो है इन बच्चों को ब्लड दें, तो ताकि वो भी ज़िंदगी की तरफ उनका एक कदम और बढ़ सके। थैंक यू सो वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर शेख है, मैं वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप हूँ और मैं कमेटी हेड कर रहा हूँ थैलेसीमिया इन कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें तकरीबन लोगों को ये पता है कि थैलेसीमिया है क्या। बच्चों का एक बीमारी है जो कि लाइलाज है और फ्रॉम दी बर्थ होती है। हमारा मेन पर्पस है कि इसको रोका कैसे जाए। हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जो भी हमारे पाकिस्तान के मेल मर्द हजरात हैं जिनकी एज 18 से 36 साल की उम्र है, उनकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, उनको थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवाना चाहिए। थैलेसीमिया माइनर के टेस्ट में 25% चांसेस होते हैं कि आपके अंदर थैलेसीमिया माइनर हो। अगर आप थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं तो फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जिससे भी शादी करें उनका टेस्ट करवाएं और वो थैलेसीमिया माइनर की पेशेंट ना हो। अगर वो थैलेसीमिया माइनर की पेशेंट होंगी तो फिर ये चांस होता है कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट बने। तो इसको रोकने का यही वाहिद तरीका है जो कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करना है और उसके बाद हमें पूरे मुल्क के लिए इस पर काम, पूरी दुनिया में इसके लिए काम करना है। तो ये एक वाहिद तरीका है बच्चों का ब्लड। और मैं इसके लिए अगर बोलना स्टार्ट कर जाऊँ तो ये एक दिन का पूरा टॉपिक है। तो ये हमारा पहला वे है जिसको हम लोगों ने स्टार्ट करना है। जो बच्चे आ चुके हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय उनके ब्लड डोनेट करने के और उनका ख्याल रखने के, और ये मेक श्योर करें कि उनका जो आयरन लेवल है वो हायर रेंज पे ना जाए। इसके लिए एक पंप्स आते हैं जो कि इंसल्यूट होते हैं, इनके अंदर इंजेक्ट होते हैं जो कि स्लोली स्लोली इनके आयरन को बर्न करते हैं। तो वो तो एक सिंपल वे सोल्यूशन है इनकी लाइफ बढ़ाने के हिसाब से। बाकी जो हमारा मेन पर्पस है वो इसको रोका कैसे जाए, तो रोकने का यही तरीका है कि आप प्लीज़ 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 जो भी 18 से 36 साल की उम्र के मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, क्योंकि औरतों के लिए हॉस्पिटल जाना बहुत मसला होता है, लेकिन मर्द हजरात कहीं पर भी जाए, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ये टेस्ट फ्री होते हैं। और इंशाल्लाह वेरी सून हम कराची में इसका आगाज़ कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह मार्केट भी करेंगे। तो जहाँ भी आप थैलेसीमिया माइनर का कभी बोर्ड देखें तो प्लीज़ वहाँ पे अपना टेस्ट करवा लें। थैंक यू। सैयदा फातिमा ज़हरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल मुस्तफ़ा से, और ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ इधर होती हैं। जो बच्चे आते हैं उनको ब्लड डोनेशन दिया जाता है और ब्लड चढ़ता है। आज जो कराची हीरोज़ की रोटरी क्लब की जो टीम यहाँ आई हुई है, उन्होंने यहाँ पर डोनेशन दिया और बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो फातिमा से हम पूछते हैं ज़रा कि फातिमा, ये बताइएगा कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं? 150 जी 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 जी। मतलब टीम तो माशाल्लाह से अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे बहुत खुश हुए और काफ़ी उनको इनामात भी दिए गए, लंच वगैरह। तो बच्चों के साथ इस तरह की तकरीबात जो होती रहती है तो उन बच्चों को अच्छा लगता है, खुश होते हैं बच्चे। और इनका मतलब मैं आपके तवस्सुल से रोटरी क्लब वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि ये लोग आए। और दूसरी बात है कि बच्चों के साथ तो इन्होंने बच्चों को इंटरटेनमेंट तो प्रोग्राम रखा, बहुत कुछ अच्छा रहा, मगर ये उनके लिए ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। तो आगे भी मैं ये चाहूँगी कि आप लोग आएँ और ब्लड दें, और बच्चों को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, आपके दिए हुए खून से बच्चों की ज़िंदगी चलती है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, और बेहतरीन काम, और बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, सलामत रखे परवरदिगार जी। हम यहाँ पर आए हैं, अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं बच्चों के लिए थैलेसीमिया के, और आप भी हैं और ब्लड डोनेट करें ताकि बच्चों को जो खुशियाँ हैं उनकी दोबारा हो, क्योंकि इन्हें ब्लड की बहुत ज़रूरत है। और ब्लड की सिर्फ अल मुस्तफ़ा नहीं, और भी जितने भी थैलेसीमिया सेंटर कराची मौजूद हैं उन सब जगहों पर इस वक्त ब्लड की बड़ी शॉर्टेज है, और हमें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। तक और ये बेसिकली माले भी फ़ायदेमंद है, आपका ब्लड जो है वो आपकी सेहत को और अच्छा करता है, और ये ब्लड उन बच्चों को काम आएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पूरी टीम आई हुई है, शेख राशिद आलम साहब हमारे चार्टर प्रेसिडेंट और मैं, हमारी पूरी बाकी टीम रोटरी क्लब ऑफ कराची हीरोज़ के, और बड़ी खुशी से अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं भी इस वक्त अपना ब्लड डोनेट करने निकल रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब भी आएंगे, अपना अपना जो है इस फ़र्ज को अदा करेंगे अपने। थैंक यू। अच्छा लग रहा है खून दे के और नेकी के काम है। एक तो मैं हर साल देता हूँ, मतलब 6 महीने में साल में देता हूँ मैं खून। हाँ अभी जी बिल्कुल, इनके बच्चों को देने के लिए तो मुझे कहा गया, तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल आ जाऊँगा, टाइम निकालने की मुश्किल नहीं है। ये एक नेमत है अल्लाह पाक की, जो कि हमें हर 3 महीने से 6 महीने अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ देनी चाहिए। आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है और इन बच्चों के लिए तो ये एक नेसेसिटी है, क्योंकि जैसे ही थैलेसीमिया के बच्चे की एज ग्रोथ होती है तो उसके लिए ब्लड की नीड जो है वो हर, पहले तो वो 1 महीने में 1 मरतबा होती है, फिर वो 1 महीने में 2 मरतबा और 3 मरतबा और 4 मरतबा भी पहुँच जाती है। तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि उनके लिए ब्लड अरेंज हो। तो हम सबको ये करना चाहिए कि हर 3 महीने नहीं तो 6 महीने के अंदर एटलीस्ट एक दफ़ा ब्लड देनी चाहिए। थैंक यू। हम सब यहाँ खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, और मेरा ख्याल है कि आप देखें रोटरी क्लब ऑफ कराची हीरोज़ की सारी टीम जिस खुश दिली के साथ ब्लड डोनेट कर रही है, ये इस बात की अक्कासी करती है कि जी मतलब जो रोटरी का मिशन है सर्विस ऑफ सेल्फ, ये सारे लोग उसकी तकलीद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, नेकी का काम है और नेकी के काम में तो दिल से खुशी होती है, और हम लोगों को बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए।